नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स बोध्यं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि इतिप्सो भगवारं सम्मा सम्बुद्धो विद्याचर संपन्नो सुगितो लोक विद्वंतरो पुरुष धम्म सारथी तथा देव मनुसानम् बोधो भगवत। तो आओ मानव मानवी और चले धर्म की ओरे, कितने दिन भटकती फिरे सो कितने दिन गमना हो। गुरुदेव नाम लीला हम जिनका और सर्व मंगल धाम है, पूज गुरु मोहनि बोध के चरणों में मेरा बस कोट कोट प्रणामी है। तो जिन की कृपा माति से मिलता नहीं ठोरे कलेश को, श्रद्धा सहित प्रणाम है उन नरेंद्र के गुरु मोहन बोध को। आदरिये उपस्थित हमारे धम प्रेमियों, आज हम आप लोगों के समझ में जो कि बेहद मांग पर ये कहानी लेकर के चल रहा हूं भिचड़ी पाटा चारा के बारे में आइए गौर करते हैं। अरे सुनो सवा के प्राते और कथा म, अरे तुम्हें सुनाते पहुंचाते भैया। अरे कहूं क्या दुख की कहानी है, सुनियो सवा के प्रार्थने नन से धर के के नाम मारुए मेरे पूज गुरु मोहनी बोधी उन्हीं को शिष्य जो प्यारो है भैया। मेरे धम प्रेमियों ये भी एक दुख भरी कहानी की तरफ जो कि जनता की बेहद मांग पर भिचड़ी पाटाचारा के बारे में लेकर के चल रहा हूं आइए गौर करते हैं। श्रावस्ती नगर का जिक्र है, भगवान बुद्ध ने 45 वर्षों का आवास श्रावस्ती नगर के जैत्र वन में बिताया है, इसलिए उनकी अधिकतर कहानियां श्रावस्ती नगर के जैत्र वन से ली गई हैं। और श्रावस्ती ही नगर में एक सेठ रहते थे जिनका नाम था सुलोचन। आइए गौर करते हैं कि अरे सेठ सुलोचन गुड़ापानी सुनो धर ध्यान सवा के भाई। अरे सुंदर घर में नारी रे के सुनियो सारा दारी पाटीवार श्रावस्ती नगर के रहने वाले थे सेठ सुलोचन। अरे घर में ना ही कोई कल सके तनारे नके सोना हमारी
सुलोचन, इनके घर में बहुरी ही सुंदर नारी है। समय गुजरने के बाद में मेरे भाइयों, आज सेठ सुलोचन की जो पत्नी थी उनके गर्भ से एक बिटिया ने जन्म लिया है और बताती है। अरे सेठ की प्राण न प्यारी रे, सुनियो सारा दारी। सुलोचन की जो रानी थी उनके गर्भ से एक पुत्री ने जन्म लिया है। आज विद्वानों को बुलाया है और विद्वानों को बुलाने के बाद में मेरे भाइयों, आज उसी पुत्री का जब नामकरण करवाया है तो आज उसी पुत्री का नाम श्यामा रख दिया है। धीरे 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 जब श्यामा बड़ी हुई है आंगन में, आज बहुत सुंदर लग रही है, बताया गया है भाइयों। अरे थी जो चंद्र बदन युजिया थी, जब धीरे धीरे श्यामा बड़ी हुई है, आज उसी समय एक दिन की बात है, सेठानी ने देखा, आज दासी को बुलाया है, तू जा हमारे महाराज को बुला के ला। आज जिस समय सेठ सुलोचन चले हैं रानी के पास में, आज पहुंच जाते हैं और जैसे ही रानी ने अपने महाराज को आते हुए देखा, बाजी वाह, अरे आवत देखे, अरे पिया नारी ने आसन दयो लगाई, और हाथे पकड़े दुल्हा अपने को लयो तुरंत बैठाई।
से तानी से टस रही समझ आई। आज जिस समय सेठ सुलोचन को आते हुए देखा, आज पत्नी ने बड़ा ही सम्मान किया है और जवाब दिया है, महाराज। हेलो, अरे हाँ सुनो स्वामी। हाँ आप सारे सारे दिन ध्यान ही नहीं रखते हो घर में, बिटिया से आनी हो गई है। सुनो सुनाइए। सुनियो पति प्राण प्यारे, घर में है अपनी प्यारी लाडली। सुनो स्वामी सही है। सुनियो पति प्राण प्यारे, घर में है स्यानी अपनी लाडली। सुनो स्वामी कहिए। अरे तुम्हें फिक्र नहीं रहती है घर में बिटिया, 18 साल की हो चुकी है। कोई बात नहीं है रानी, तुम चिंता मत करो। सुनो हाँ स्वामी कहिए। कि मेरी बात सुनो, कोई पर ना चुनो और शादी दे और रचाई रे। अब बिटिया स्यानी हुई गई है, सुनो कहिए। श्यामा स्यानी हो चुकी है। अच्छा मेरी बात सुनो, कोई पर न चुनो और शादी दे और रचाए रे। अब बिटिया स्यानी हो गई है। सुनो स्वामी कहिए।
बात नहीं है सेठानी। हाँ हम देखेंगे कोई लड़का, अगर कोई अच्छा लड़का नजर में आएगा। और सुनो स्वामी, कहिए। लड़का है ऐसा वैसा नहीं ढूंढना है, और कोई कैसा ढूंढना? लड़का पढ़ा लिखा ढूंढना है। अच्छा, उसके घर में कुछ खाने पीने के लिए और पढ़ा लिखा समाज हो। सुनो। हाँ सुनाइए। बिटिया भाई ऐसी आनी, अच्छा, और ढूंढे ला सजन बाबर को स्वामी। हाँ अच्छा लड़का कहीं ढूंढना है आपको, घर में श्यामा है वो सियानी हो चुकी है। कोई बात नहीं है। इधर भाइयों सेठानी इस प्रकार से आज सेठ सुलोचन को समझा रही है। समय गुजरा, समय गुजरने के बाद में साथियों जब धीरे धीरे समय गुजर रहा है, इधर सेठ सुलोचन के बाग में एक माली रहता था जिस माली का नाम था पुष्पक। भाइयों गौर करते हैं, अरे सेठ सुलोचन के बाग में अरे माली करा में, हाय साग सब्जी लेके सेठ के घर पे पहुंचा। लेकिन धीरे धीरे एक दिन की बात है कि माली घर में बीमार पड़ गया है। अरे एक दिन बीमार पड़ो माली, हाय छोटो है का लाल लला को सुदा कर नाम बताई। जब पुष्पक माली जब बीमार पड़ गया है, उसके घर में एक बेटा है जिसका नाम है सुधाकर। आज सुधाकर से जवाब दिया है, तुम जाओ और सेठ सुलोचन के यहाँ पर फूल साग सब्जी पहुंचा करके आओ। आज जिस समय सुधाकर चला है भाइयों, इधर हुआ ऐसा कि आज वह फूल लेकर के जिस समय आज श्यामा के कमरे को बहुत अच्छी तरीके से सजवा देता है, सजा देता है, जब
श्यामा ने आज सुधाकर को देखा है, देखते ही आज जवाब दिया है सुधाकर। अरे सुधाकर, कहिए। अरे तुम बोझी बहुत अच्छे लगते हो, अब मेरा मन कहता है हाँ कि मैं तुम्हारे साथ में शादी कर लें। अच्छा सुनो सुधाकर, कहिए। जब से मैंने तुम्हें देखा है हाँ तब से मुझे चैन नहीं आ रहा है हाँ कि तेरी सूरत पे बलियारी रे मेरे साजना, सुनो सुधाकर कहिए। तेरी सूरत पे क्या कह रही हो श्यामा? अरे क्या नहीं, तुम्हें नहीं पता है हाँ तुम एक सेठ की पुत्री हो और कहा मैं एक माली का पुत्र हूँ, भला तुम्हारे साथ में विवाह कैसे हो सकता है श्यामा, तुम पागल हो गई। अरे सुधाकर हाँ जब प्रेम हो जाता है तो ये कोई ये नहीं देखा जाता है, ये गरीब है ये अमीर, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ श्यामा हाँ, भला ऐसा मत करो हमारे साथ में, और हम तुम्हारे साथ में ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि तुम्हारे पिता एक सेठ हैं और हमारे पिता एक माली हैं, हमेशा शादी जब होती है तो बराबरी वाले से होती है श्यामा। नहीं सुनो सुधाकर हाँ, तेरी सूरत पे पागल हो गई रे, सुनो सुधाकर कुछ गई है भूल रे, हाँ सब कुछ गई है भूल रे, सुनो ये तकारी महाराज के मन में ऐसी आ रही है, और अपन मैं जाऊं दुल्हन तेरी मन की हुई बालमा मेरे साजना, सूरत तो प्यारी तेरी लग रही है, मेरे दिल में नहीं है समाए मोरे साजना, सूरत तो कैसी प्यारी है। सुनो सुधाकर, मैं आपसे शादी करेंगे। अरे भला ऐसा मत करो हमारे साथ में, सुनो श्यामा तुम पागल हो गई हो, सुनो हाँ। अरे सुनो श्यामा मेरी बात, अरे यार जय का तुम से हमारी हाय, तुम हो सेठ की जाई के माली श्यामा हाँ बोलो। अरे कैसा दिया रग जनाऊ पे
नामा मारो है, मेरे पूज्य गुरु मोहनी बोधी उन्हीं को सितजु प्यारो है भैया, हे श्यामा हाँ भला तुम हमारे साथ में ऐसा मत करो, और शादी अगर होती है तो हमेशा बराबरी वाले से होती है, हम तुम्हारे साथ में व्यवहार नहीं कर सकते हैं श्यामा। अरे सुधाकर हाँ मैं तुम्हारे बगैर रह नहीं सकती हूँ। अच्छा हाँ सुधाकर कहिए। सुनो कि चलियो मेरे संग यहाँ से, मैं तुम संग विवाह रचाऊंगी रचाऊंगी, सुधाकर तुम बिन मैं नहीं पाऊंगी। सुनो कहिए। चलियो मेरे संग यहाँ से, मैं तुम संग विवाह रचाऊंगी रचाऊंगी, तैया तुम बिन नाए जी पाऊंगी। सुनो सुधाकर कहिए। मैं मर जाएंगे हाँ कहिए। अरे तुम जो कहो करें हम सोई, अरे तुम जो कहो करें हम सोई, हरे पलट हल बजाऊंगी बजाऊंगी, दैया तुम बिना नाए जी पाऊंगी। तुम संग विवाह रचाऊंगी रचाऊंगी, दैया तुम बिन नाए जी पाऊंगी। सुधाकर कहिए। आप हमारी बात को देख रहे हो, मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी पाएंगे सुधाकर, हमारी बात आपको माननी पड़ेगी। इधर मेरे भाइयों, आज श्यामा नाना प्रकार से आज सुधाकर को समझा रही है, लेकिन हमारे गुरुदेव जी कहा करते हैं कि प्रेम ना किसी से होता है और ना किसी से किया जाता है, ये प्रकृति की देन है जो अकस्मात हो जाता है और बताया भी गया है। अरे प्रेम बुरी जाती रह और वीरा तो झूठा तीरे जानो, जमी
भाइयों इधर, आज श्यामा आज सुधाकर को नाना प्रकार से समझा रही है, अंत में सुधाकर की बुद्धि बिल्कुल विपरीत हो जाती है। और हुआ ऐसा के समझाते ही और सुधाकर का मन फिर बदल गया। कहिए सुनो। हाँ, क्योंकि मैं तुम्हारे अलावा मैं किसी को नहीं चाहती हूँ। अच्छा, हाँ सुनो सुधाकर। चलो तो कोई बात नहीं है, मैं आपको एक उपाय बताऊंगी। हाँ, अरे मैं तेरी बनूंगी नारी सुधाकरी मानो बात तकली पर उठाऊंगी पर तुम संग समय बिताऊंगी मैं खुद तकली पर
मानो बात हमारी, बज चलो राती अंधियारी। अच्छा। मेरे भाइयों इस प्रकार से आज पाटाचारा और सुधाकर का प्रेम बढ़ गया है। इधर सेठ सुलोचन ने एक अच्छा सुंदर लड़का देख करके आज विवाह को तय कर दिया है। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, आज शादी वाला जब समय नजदीक आ गया है, आज सेठ सुलोचन ने अपने यहाँ पर सारी व्यवस्था की है। इधर आज पाटाचारा ने जाना है कि अब तो हमारी शादी तय हो गई है और अब मैं सुधाकर के बिना कैसे रह पाऊंगी। मेरे धम प्रेमियों, आज इधर बारात आ जाती है द्वार पर। आज उस लड़की ने आज एक लड़के को भेज करके सुधाकर को बुलाया है और समझाया है कि अब हमारी शादी होने वाली है, ऐसा करो कि हम और आप यहां से निकल चलो। इधर चलो सुधाकर, अरे बारात आ चुकी है दरवाजे पर। इधर मेरे भाइयों, आज हुआ ऐसा कि आज अंत में सुधाकर और पाटाचारा आज घर से भाग जाते हैं भाइयों के। अरे चनी, अरे दिल में करो ना बिचारी, अरे बिटिया बन के बीच में भागी। जने बन की सीधा लगाई, मैं पल की दर लगाई, जने बन की सीधा लगाई, मैं पल की दर पाटाचारा और सुधाकर आज वहां से भाग जाती है। इधर आज ये दोनों दुर्वर्ती गांव में आ जाते हैं। इन्हें असली पति पत्नी समझ करके प्रधान ने अपने यहां पर ठहरा लिया और एक कमरा दे दिया है। इधर सेठ सुलोचन आज जिस समय कमरे के अंदर जाते हैं, उन्होंने देखा कि श्यामा नहीं है। आज अपनी पुत्री की याद करके आज सेठ और सेठानी दोनों रोने लगे। जवाब दिया है, बिटिया ये तुमने अच्छा नहीं किया है, अब मैं कहीं को किसी को अपना मुंह दिखाने के लायक नहीं रहा हूं। आज सेठ सुलोचन और सेठानी अपनी खोपड़ी को पकड़ करके बैठ गई। अरे करे बिटिया की ये क्या किया, हमारे कोई दूसरी संतान भी नहीं थी बेटी। से टकी छूट गई थी दीदी।
को सावन ले ले भाइयों। इस प्रकार से आज सेठ सेठानी दोनों रो रहे हैं। इधर बारात द्वारे से लौट जाती है, अब हुआ ऐसा, इधर आज पाटाचारा और सुधाकर दुर्वर्ती गांव में रहने लगे। इधर खाने के लिए कुछ भी नहीं था, लेकिन श्यामा आज वो लड़की अपने घर से कुछ गहनों को लाई हुई थी। सुधाकर से जवाब दिया है सुधाकर, अरे सुनो स्वामी, हाँ ये वस्त्र ले, वो गहने लेके आए थे मैं अपने घर से आभूषण, ये ले जाओ बाजार में बेच के आओ, खाने पीने के लिए आटा दार लेकर के आओ। आज मेरे भाइयों, सुधाकर ने उन गहनों को लिया है और गहनों को लेकर के आज बाजार में बेच करके आते हैं, कुछ आटा दार लाए हैं। इस प्रकार से आज अपने जीवन को बिताने लगे हैं। धीरे धीरे जब समय गुजरा है भाइयों, अरे धीरे धीरे समय बीती जाओ भाई, धीरे 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 जब समय व्यतीत हुआ है, जब गर्भवती हो जाती है और धीरे धीरे उसके 9 माह पूर्ण होने के लिए आए, उसी समय आज सुधाकर से जवाब दिया है सुधाकर, सुनो स्वामी, हाँ मैं अपने पीहर जाएंगे, वहां पर मैं जा करके बच्चे को जन्म देंगे, यहाँ पर मैं नहीं रहेंगे, सुनो स्वामी। अरे पाटाचारा, हाँ तुम्हें नहीं पता है तुम्हारे पिता सेठ हैं, वो मुझे मरवा देंगे। नहीं स्वामी, ऐसा नहीं हो सकता है, मैं यहाँ पर नहीं रहेंगे, सुनो स्वामी। कहिए। मोए याद मात की आए रही है रे सुनो बाल
गोस्वामी कहिए। अरे सैया मत ज्यादा देर लगाइयो। अच्छा स्वामी। हाँ। मैं इधर अपने बच्चे को जन्म देना नहीं चाहती हूँ, मुझे मेरे पीहर में भिजवा दो स्वामी। अच्छा हाँ सुनो श्यामा। हाँ बोलो। तुम्हें नहीं पता है पाताचारा। हाँ स्वामी। तेरो बबुला मेरी नारर, तेरो बबुला मेरी नारी, जानौली है हमारी। तुम्हें नहीं पता है अगर तुम पुनः श्रावस्ती नगर में जाओगी तो तुम्हारे पिताजी मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। नहीं स्वामी, मुझे मेरे पीहर ले चलो। श्यामा मैं बच्चे को जन्म अपने पीहर। तुम ज्यादा जिद मत ठानो पाटाचारा। सुनो। हाँ। अरे जिद मत ठाने रानी, बात करी मानी ले। सुनो। हाँ स्वामी। अरे जिद मत ठाने रानी, बात कछू माने ले। और तेरो पति संग तेरे, बात मेरी माने ले। स्वामी तुम ऐसा मत करो, तुम यहीं पर अपने पुत्र को जन्म दो। नहीं स्वामी, ले चलो मेरे पीहर ले चलो, मुझे मेरी माँ की याद आ रही है स्वामी। आज इधर मेरे धर्म प्रेमियों, जिस समय आज सुधाकर की बात को जिस समय पाटाचारा नहीं मानती है, आज चली है श्रावस्ती नगर की तरफ। जब रास्ते में पहुंची तब तक क्या हुआ है भाइयों? अरे बीत गए पाटाचारा के गर्भ से एक पैदा होता बाजीरा। बहुत सुंदर एक बालक ने जन्म लिया है उस वन में। पाटाचारा के गर्भ से एक
पैदा बहु तारी तन गौ करो बिचारा ते गले आता नारे दयो काटी नया आगे की सीध लगाए रे के पीछे लौटे भाई समय रास्ते में एक बालक पैदा हुआ। आज दोनों फिर पन्हा द्रुवर्ती नगर में आ जाते हैं। इधर भाइयों जब धीरे धीरे समय और गुजरा, जब तीसरी बरस लगी है और बताया गया है कि तीसरी बरस न पूरन पापा अग्र में अरब गरब में समय तीसरी वर्ष जब पूर्ण होने के लिए आई, पुनः आज पाटाचारा फिर गर्भवती हो जाती है और जवाब दिया है कि हे स्वामी स्वामी कहिए चलो पीहर चलते हैं पाटाचारा। हाँ अब तुम फिर जिद करने लगी हो, भला मैं नहीं जा सकता हूँ। नहीं स्वामी, ये दूसरा है मेरे गर्भ में बच्चा, इसे मैं अपने पीहर जन्म देना चाहती हूँ स्वामी। चलो आज जब ज्यादा अड़ जाती है जिद पर, आज पाटाचारा सुदा कर आज फिर वहां से चल देती है कि चल भय संगी नारी के और आगे की सीतला पाटाचारा सुदाकर आज अपने बड़े पुत्र को गोदी में लेकर के तीनों प्राणी आज वहां से चल देते हैं श्रावस्ती की तरफ। लेकिन कहां उस पुत्र को पता है कि हमारे साथ में अब होनी होने वाली है, नहीं पता है। कैसंगले पुत्री और नारी संग अरे लय पोपी और नारी आगे की सीध लगाई
मेरे भाइयों, जिस समय आज पाटा चारा सुधाकर आज एक वन में पहुंच जाते हैं, तब तक वहां पर आज भयानक आंधी आ जाती है। मेरे भाइयों, इधर आज बादल भी गरजने लगे हैं, बिजली भी चमक रही है, तब तक आज पाटा चारा के गर्भ से पुनः एक बालक ने फिर जन्म लिया है। जब बारिश होने लगी है, आज तीनों प्राणी एक वृक्ष के नीचे बैठे हुए हैं। आज पाटाचारा ने जवाब दिया है, स्वामी। अरे स्वामी, कहिए। मुझे ठंड लग रही है और मेरे बच्चे भी सकुड़ रहे हैं ठंड के कारण। स्वामी पाटाचारा, हाँ, आप चिंता मत करो, तुम यहीं पर बैठो, हम अभी कुछ ना कुछ उपाय सोच रहा हूँ और मैं जा रहा हूँ कुछ तुम्हारे लिए छाया के लिए इंतजाम करके ला रहा हूँ। ठीक है स्वामी। आज मेरे धर्म प्रेमियों, जिस समय आज बेटा सुधाकर चला है हाथ में कुल्हाड़ी लेकर के, कहाँ मालूम है उस पुत्र को कि हमारे साथ में अब होने वाली है। इधर आज जिस समय जंगल में पहुंचा, उन्होंने लकड़ियों को तो काट लिया है, लेकिन जब सामने देखा तो एक घास का ढेर लगा हुआ देखा। आज उस बेटा के मन में है कि इस घास को उठा ले और अपनी पत्नी के ऊपर कुछ छाया कर दे। भाइयों, अरे मन में ऐसे विचार और लला जब घास ले नया जिंदगी अब समाप्त होने वाली है। अरे कोमर की किस्मत छूट गई, आए दरी लाश आए धरती पे जगी दशा बिगड़ गई। भैया हमें कोई नए साथी है, माता पिता सुधा नारी के तिरिया धोखा दे जाती रैया। मेरे भाइयों, जिस समय आज उस पुत्र को आज नाग ने डस लिया है, रात से सवेरा हो गया है। इधर आज पाटाचारा ने मन में विचार किया है कि हमारे पिया अभी भी लौट करके नहीं आए। आज मेरे भाइयों, जिस समय आज पाटाचारा अपने पिया को ढूंढती हुई आगे को बढ़ी है, आज अपने सामने देखा है
के पिया की लहस सामने दिखाई पड़ी है। आज एकदम से पछाड़ खा के आज लहस पर गिर पड़ी, जवाब दिया है स्वामी ये क्या किया? अरे स्वामी आप तो लकड़ियां लेने के लिए आए थे लेकिन तुम कहां चले गए स्वामी? अरे स्वामी बोल सुना दे स्वामी। अरे स्वामी महाराज जब दुखी आया वाग न को अब धर्म के मल्ला तुम बन के नैया मजदार डुबाते स्वामी तुम कहाँ चले गए सभी मेरे ये बालक है ये क्या करेंगे स्वामी? मैंने अपने माता पिता को छोड़ा और तुम्हारे साथ में मैंने शादी की है स्वामी। स्वामी बोल सुना दो स्वामी। आज असुवन की लागी जड़ी आज असुवन की लागी जड़ी बिटिया रोवे बबन में असुवन की लागी झड़ी बिटिया रोवे बबन में खड़ी स्वामी तुमने वादा किया था मैं तुम्हें छोड़ेंगे नहीं लेकिन कहाँ चले गए स्वामी? स्वामी तुमने ये वादा किया
मैं तुम्हारे साथ में आई थी, तुमने कहा था कि क्षमा में तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेंगे, लेकिन तुम कहाँ चले गए स्वामी? स्वामी मुझे बोल सुना दो स्वामी। मेरे प्यारे पति तुम, मेरे प्यारे पति तुम क्यों छोड़ के जाते हो?
स्वामी तुम कहाँ चले गए स्वामी? अरे स्वामी बोल सुना तो स्वामी। आज मेरे भाइयों इस प्रकार से आज पाटाचारा अपने पति की लहज पे बिलख बिलख के रो रही है। भाइयों इधर आज अपने दोनों पुत्रों को उठाया है और मैया चली है अपने पीहर की तरफ। इधर आज जिस समय मेरे भाइयों श्रावस्ती के लिए जिस समय आज मैया चली है तो रास्ते में देखा है कि एक नदी बह रही है। सोच रही है मैया कैसे इस नदी को मैं पार करी। आज मैया ने अपने छोटे पुत्र को गोदी में लिया है और नदी को उस पार उतार दिया है। दूसरे पुत्र को आज जिस समय मैया लेने के लिए आई उसी समय भाइयों तब तक नदी में एकदम से लहर आ गई है। आज बड़ा पुत्र आज मैया को देख करके रोने लगा, जवाब दिया है मैया। आज उसी समय जवाब दिया है बेटा, अरे बेटा तुम दूर रहना, बेटा उधर ही रहना। अरे रहना जल से दूर, पास मत पानी के आना। किस्मत निकली खोटी और पिता से बिछड़न भाव मेरी अब काल गई छोटी। मेरे लाल पेशना पानी से जाती, मेरे पल में कड़े पिरान कर बेटा कर री जाती। आज इधर भैया अपने बड़े पुत्र से वार्तालाप कर रही है उसी समय आज आसमान में एक बाज ने देखा है कि ये मांस का लोथड़ा पड़ा है। आज उसी समय छोटे पुत्र को उसने आज पंजों में दबा लिया है और ओढ़ा करके ले गया है। इधर मैया ने जैसे ही छोटे पुत्र को देखा है आज मैया ने दोनों हाथों से हाथ हाथ किया है। आज उसी समय बड़ा पुत्र भी अपने मन में विचार करने लगा है कि मैया मुझे बुला रही है। आज बड़ा पुत्र भी नदी में कूद गया है, दोनों पुत्र भी खत्म हो गए, पति भी खत्म हो गया। आज मैया रोती बिलखती हुई श्रावस्ती के लिए चल देती है। मेरे भाइयों इधर श्रावस्ती नगर के बाहर एक बुड्ढा दिखाई दिया उसी समय आज। अरे बाबा कहिए बेटी। हमारे माता पिता कहाँ हैं? बेटी हाँ तुम्हें नहीं पता है रात्रि में जो आंधी आई थी हाँ उसी आंधी से एक वृक्ष टूटने के कारण तुम्हारे माता पिता का घर धस गया है और तुम्हारे माता पिता दोनों मर गए हैं। बेटी नहीं ये क्या हुआ, मेरे माता पिता भी मर गए। सुनो बेटी हाँ। अरे आत जोड़े के गई और दिया मेरी प्राण से प्यारी। बेटी तुम मायके काए को जाती मरे तेरे बबोला माता री। बेटी तू मायके काए को जाती मरे तेरे बबोला माता री। महाराज कर्म की
बाप को मरण आज बोनारी पे लगाई भैया सुन के मरण माँ बाप को आज बोनारी पे लगाई आज मेरे भाइयों क्या बाबा हमारे माता पिता भी हाँ बेटी तुम्हारे माता पिता खत्म हो गए हैं लाड़ो अब मैं क्या करेंगे कहीं के नहीं रही हूँ आज भाइयों उसी समय आज पाटाचारा पागल सी हो गई आज सारे वस्त्रों को फाड़ फाड़ करके मेरे भाइयों आज जमीन में गिराने लगी है इधर आज वह बाजार में भाग रही है कहीं गांव में भाग रही है लोग उसे मार रहे हैं कहीं पत्थर मार रहे हैं कहीं कुछ कर रहे हैं आज वह पागल सी हो गई है इधर आज वो पाटाचारा जिस समय आज श्रावस्ती के जैतवन में पहुंच जाती है पीछे पीछे से वो बुड्ढा जो था पीछे पीछे से वो भी चल देता है हुआ ऐसा अरे दुख की मारी माता अरे वहां से फौरन भागी है जिस समय आज पाटाचारा जैत बनी में आ जाती है आज उसी समय वह बुड्ढा भी पहुंच जाता है भिक्षुओं ने आज उसको रोका भगवान बुद्ध ने जवाब दिया है उसको आने दो हमारे पास में आज बुड्ढा जिस समय श्रावस्ती के जैतवन में पहुंचा है भगवान बुद्ध को आज उसके बारे में सारी कहानी बताई है आज भगवान बुद्ध ने उसके शरीर को छुआ और छू करके झकझोर करके रख दिया आज पाटाचारा होश में आती है आज आनंद ने आज पाटाचारा को जिस समय देखा है तो भगवान बुद्ध ने इशारा करके आज आनंद के द्वारा आज पाटाचारा के ऊपर चीवर को डलवा दिया है और इधर बिचुड़िया आई है पाटाचारा को आज राजसवास में ले जाती हैं इधर धीरे धीरे समय गुजरा भगवान बुद्ध ने आज पाटाचारा को पंचशीलों को समझाया है आर्य अष्टांगिक मार्गों को बताया है और भगवान बुद्ध ने आज पाटाचारा को अपनी सड में लिया है और यह आगे चलकर के भगवान बुद्ध की एक महान उपासका बनी है जो बिचुड़ी पाटाचारा के नाम से विख्यात हुई है और ये कहानी जो है ना बहुत जल्दी में आप लोगों की विशेष मांग पर हमने जो कि पंचशील स्टूडियो मैनपुरी के सौजन्य से जो कि आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं और कहना है अरे बिचुड़ी पाटा चारा की कहानी अरे जल्दी में नहीं सुनाई अरे जो कछु गलती बनी भ्रात तो मती जो माँ फकराई अरे पंचशील स्टूडियो मैनपुरी द्वारा तुम तक नहीं पहुंचा स्टूडियो मैनपुरी द्वारा तुम तक रहे पहुंचाई और प्रेम नारायण भैया साके हमारे रिकॉर्डिंग करिया रसाई अरे नेत्रों पाली अरे एटा पाले ढोलक रहे बजाई अरे नेत्रे पा
रिकॉर्डिंग जो कि आप लोगों तक पहुंचाई जा रही है पंचशील स्टूडियो मैनपुरी के सौजन्य से, जिसके प्रोपराइटर है हमारे भैया प्रेम नारायण साके और मैं पही जाना पहचाना बुद्ध कथावाचक साके नरेंद्र बोध, और हमारे संगति दे रही हैं जो कि हमारी पत्नी साके सुनीचा बोध। अरे नरेंद्र साके मकियानिया वाले सभा में रहे सुनाई, अरे सुनीचा साके पत्नी हमारी तुमको दई बताई। अरे मोहन पोती के गुरु हमारे सुन सभा के भाई, अरे मोहन पोती के गुरु हमारे सुन सभा के भाई। अरे जो कछु गलती बनी आज और तीजो माफ कराई, कितनी हो गई